अगली खबर का, कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी ने राम वन गमन पथ में कांकेर को जोड़ने के लिए सीएम भूपेश बघेल से चर्चा की। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद शहर में बैठक की गई, जिसमें विशाल राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और नागरिकों ने अपनी तरफ से घोषणाएं की है। इसमें 10 लाख के फंड की घोषणा भी की गई है और 2 अप्रैल को राम नवमी के दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि भगवान राम वनवास के दौरान दुधावा, भंडारी पारा, गड़िया पहाड़, जुनवानी, कांकेर और रामपुर से होकर लंका की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे जो भगवान राम के जो अवशेष यहाँ पे जो पाए गए हैं, शिवलिंग उनके द्वारा की स्थापना की जिसकी जैसी भंडारी पारा में, रामपुर जुड़वानी में, गड़िया पहाड़ में, तो वहाँ पे मंदिर निर्माण करने के लिए जो है वो आज यहाँ पे सबका सहयोग प्रदान करने के लिए आवेदन निवेदन किया गया था। ये जो धार्मिक जो आयोजन को बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नहीं कहते, किंतु मैं मानता हूँ कि इससे न केवल मन की पवित्रता होता है बल्कि समाज में एक अच्छा माहौल पैदा होता है जिससे एक संस्कार गढ़ने